सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो आप समझ कर उनको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि आयत का परिमाप या आयताकार कमरे का परिमाप जो 360 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो आयत लिखा है ना, ये आयताकार कमरे का परिमाप, या आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ ये कमरे का परिमाप कर लीजिए, है ना। कमरे का परिमाप आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई का आपको अनुपात दिया गया है, और आपसे कमरे का क्षेत्रफल पूछे है कि कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन लगा लो, देख लो, पढ़ लो, फिर आप देखो अपना उत्तर सही है कि नहीं है, है ना। देखो, हमने आपको कई बार बताया है ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो आप अनुपात में देखो, अनुपात है 5:4, ये है 5:4। चूँकि अनुपात क्या होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, इसीलिए हम उसमें एक चर वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लंबाई 5x है और चौड़ाई क्या है, 4x है। अब हमें कमरे का परिमाप दिया गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कमरे का परिमाप क्या होता है। भाई, कमरा आयताकार है, तो जो आयत का परिमाप होगा वही आयताकार कमरे का भी परिमाप होगा। और आयत का परिमाप क्या है, सभी लोग जानते हो 2, लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई होता है, ये होता है आयताकार किसी भी वस्तु का जो आयताकार है उसका परिमाप। परिमाप दिया गया कितना, 360, तो हमने लिख लिया 360 बराबर 2, लंबाई कितना है 5x और चौड़ाई कितनी है 4x, तो 5x प्लस में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखो, मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई, 5:4 कितना हो गया, 9, तो 2 × 9x हो गया, और बराबर कितना हो गया, इधर 360 हो गया। 9 × 2 = 18, भाई 9 × 2 = 18 गुड़े में इधर आएगा बटे में, तो 360 बटे में क्या हो गया, x, और बटे में क्या हो गया मेरे दोस्त, 9 × 2 = 18 हो गया, और बराबर क्या बचा, x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, x बराबर 18 × 36 कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अगर x बराबर 20 आ गया है, ऐसे भी काट सकते थे, 2 से 180 बार में 9 से काट देते तो 20 बार में वैसे भी आ जाता। x की वैल्यू अगर 20 है तो ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 5 ना होकर 5 का 20 गुना हो जाती, यानी 20 × 5 कितना हो जाता, 100 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो 4x ना होकर 4 का 20 गुना हो जाती, यानी कितना हो जाता भैया, 80 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो इसके एक्चुअल जो लेंथ और ब्रेथ थी वो पता चल गया, 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। अब कमरे का क्षेत्रफल हमसे पूछे हैं, तो कमरे का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कमरे का क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल, क्योंकि जितनी भी चीज आयताकार है उन सभी में फार्मूला आयत का ही लगता है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई है हमारी 100 और चौड़ाई है हमारी 80, और 100 × 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, चूँकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, हमारा सही जवाब आएगा 8000 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर आएगा, हमारा सही जवाब है ना। 80 का 100 से गुणा करोगे तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ऐसे लगाना है, ठीक है ना। या आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ समझ सकते थे, 5 × 4 = 9, 9 की वैल्यू अगर 360 है तो 1 की वैल्यू 9 × 9 = 36, 40x हो जाता। भाई बात को समझे कि नहीं, 40 हो जाता ना, चूँकि 2 भी होता है परिमाप में, तो 40 का आधा 20 हो जाता। अब अगर x की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 20 × 5 = 100, 4 की वैल्यू 80, 100 × 80 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको जल्दी से आप एक बार नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, दूसरा प्रश्न, और उसको आपको लगाना है, देखना है क्या आएगा उत्तर। बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, जरा इसको देखो। ये कह रहा है कि 3500 रुपये को 3500 रुपये को ए बी सी में ए कामा बी कामा सी में बांटा जाता है, मतलब विभाजित किया जाता है। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5:4, ए अनुपात बी बराबर दिया गया 5:4 और बी अनुपात सी आपको दिया गया है 3:2, तो आपसे पूछे है बी का हिस्सा बताओ। केवल आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा वो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ बी, बी का हिस्सा कितने में है, 3500 में कितना हिस्सा बी होगा वो आपसे पूछे है। ज़रा एक बार कोशिश कर लो इस क्वेश्चन को लगाने की, एक बार आप कोशिश कर लीजिए इस क्वेश्चन को लगाने की, क्या आएगा आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्या आएगा आंसर आप जल्दी से ज़रा कमेंट करके बताइए। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर ना बी का हिस्सा हमसे पूछा है और बी का हिस्सा दो जगह पर दिया गया है, यहाँ पर भी बी का हिस्सा 3 दिया गया और यहाँ पर बी का हिस्सा 4 दिया गया, तो बी के दो हिस्से हो गए। और जब बी के दो हिस्से हो गए तो हम कैसे बता पाएंगे कि बी एक्चुअल में कितना हिस्सा पाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन रेशियो को हम एक रेशियो बनाएंगे जो हमारा बिल्कुल ठीक रेशियो होगा। तो कैसे बनाएंगे, जरा आइए बात को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें ए अनुपात बी दिया है, कितना दिया गया तो 5:4 5:4, और फिर दिया गया बी अनुपात सी, कितना दिया है तो 3:2। अब हमने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पर बी देखो दोनों में सेम है, यहाँ पर बी दोनों में है और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 और 3 है, इन बी की वैल्यू को बराबर करो। तो बी की वैल्यू कैसे बराबर कर सकते हो, बी वाली संख्याओं का लासा लेकर 4, 3 का लासा 12, तो ऊपर b को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कराओगे और नीचे 4 से गुणा कराओगे। इस चीज़ का जरूर याद रखना कि जब भी आप गुणा भाग कराओगे किसी भी अनुपात में तो वो दोनों में होता है, एक में नहीं होता है, इस बात को जरूर याद रखना। तो 3×5 कितना हो गया 15 हो गया और 3×4 कितना हो गया 12 हो गया, फिर यहाँ 4×3 कितना हो गया 12 हो गया और 4×2 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बी और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर बी और बी बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 15:12:18, क्योंकि बी बराबर हैं तो इसीलिए हमने एक बार लिखा। अब टोटल कितने रुपए बांटे जा रहे हैं, 3500, और 3500 रुपये जो बांटे जा रहे हैं वो इनके योग के बराबर होंगे भाई, 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35, इन सब का हमने जब सम किया तो कितना आ गया, 35 आ गया। यहाँ अनुपात में योग 35 का है लेकिन एक्चुअल में कितना योग है, 3500 का योग है, यानी 35 किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। तो मैं आपसे इतना पूछूं कि एक किसके बराबर है, तो कहोगे सर एक बराबर है 100 के। अब आपसे देखो किसका हिस्सा पूछे है, आपसे बी का हिस्सा पूछे और बी का हिस्सा 35 में कितना है, 12 है, तो एक बराबर अगर 100 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब चाहे जिसका पूछ लेता, 15 का पूछता तो 15 का 1500 हो जाता, अगर 8 का पूछता तो 8 का 800 हो जाता, और इनको ऐड करते तो उतना ही आता, 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35। तो आंसर बेसिकली कितना है हमारा, 1200 हमारा आंसर है। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, 1200 हमारा क्या है, उत्तर है इस प्रश्न का, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, है ना। इसको आप जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, समझ गए हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, वो क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस प्रकार से, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये है 18 माइनस के बड़े ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस मध्य ब्रैकेट के अंदर है आपका कितना, तो वो है 6 प्लस में 2 छोटे ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस के 8 माइनस के 5 और ये इसके ऊपर रैखिक ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट बंद, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। जल्दी से कोशिश करो बताने की, कोशिश करो बताने की इस प्रश्न का उत्तर आप क्या बता सकते हो, जरा एक बार से कोशिश करो, जरा एक बार से कोशिश करो इस प्रश्न को लगाने की। आप इसमें वी बोर्ड मोश नियम फॉलो करा लीजिए, बस वी बोर्ड मोश नियम आपको पता होगा कि वी बोर्ड मोश नियम, वी का मतलब वेनी कुलम्बार रैखिक ब्रैकेट यानी ये वाला ब्रैकेट, बी ब्रैकेट तीन प्रकार के, सबसे पहले हम लोग किस ब्रैकेट को सॉल्व करते, छोटे, देन मध्य ब्रैकेट को, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते। ओ का मतलब ऑफ होता है, इसका सीधा मतलब कहने तो गुणा होता है। डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो हम सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, वी, क्योंकि वेनी कुलम्बार हमें दिया गया। इसके बाद हम छोटे ब्रैकेट पे आएंगे, देन मझला ब्रैकेट, उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट, और सीक्वेंस हमारा वही है, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रश्न को आप कैसे देखोगे कितना आंसर आ रहा है आप बताओ। अगर मैं इस प्रश्न में यहाँ पर कहूँ सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी ये 7 माइनस के 3 हो गया और ये हमारा इतना एक स्टेप सॉल्व हो गया और ये हो गया 2 और प्लस में क्या हो गया भैया, प्लस में 6 हो गया, ये बंद माइनस के 5 हो गया, ये बंद माइनस के 18 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये बचेगा 4 प्लस के 2 इंटू के 4, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 और ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व, ये मध्य ब्रैकेट में आ जाएगा, ये इतना मध्य ब्रैकेट में आ गया, माइनस के 5 ये बड़ा ब्रैकेट बंद और माइनस के क्या हो गया 18। इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई 4 दुनी 8 और 8 6 कितना हो गया 14, तो इस पूरे के स्थान पर मैं 14 लिख सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते, ये माइनस का आ गया मेरा 5 और ये हमारा मझला ब्रैकेट भी सॉल्व, माइनस के क्या आ गया 18 आ गया, है ना। अब ये 18 और देखो यहाँ पर 15 में 14 में से अगर 8 जाए 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, कितना 9, वो भी किसका माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि 14 बड़ा है तो माइनस के 9 बच गया। अब ब्रैकेट के बाहर जब भी कभी माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी 18 और माइनस माइनस प्लस 9, 18 9 कितना हो गया 27 आपका सही जवाब, 9 दुनी 18 और 9 त्रिक 27 आपका सही जवाब है। नोट करिए, आगे पहुंचते हैं, आपका भी इतना ही उत्तर आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना ही आंसर आ रहा था सभी का। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और वो आपका है घातांक और करड़ी से, उसका आपको उत्तर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्या कह रहा है तो देखो, कह रहा है भैया 243 243 और इसकी पावर है n बाई टू, ये n है ना, n क्या कोई भी चर मान लीजिए n बाई टू, और इंटू के है आपका 3 की पावर 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई आपको कितना दिया गया है, तो 9 की पावर n दिया गया, 9 की पावर n और इंटू के 3 की पावर n माइनस के 1। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है, जरा आप एक बार कोशिश कर लो बताने की, जरा एक बार आप कोशिश कर लो बताने की क्या आएगा उत्तर, ठीक है ना। एक बार आप सोचो, इस प्रश्न को समझो पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का। बस इतनी बात जरूर याद रखना कि बेस इक्वल होते हैं तो हमारे घातांक करड़ी में दो चीज़ें होती हैं, बेस इक्वल होते हैं तो जब गुना करते हैं तो पावरें क्या होती हैं ऐड हो जाती, जब गुना करते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती, घात हमारी ऐड हो जाती, और जब भाग करते हैं, जब भाग करते तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं घट जाती हैं, यानी पावर हमारी क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी जब बेस इक्वल होता है तब। और ऐसे
ऐसे क्वेश्चनों में बेस इक्वल हमें करना ही पड़ेगा और बेस इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, मैं 3 को 243 के रूप में नहीं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं 243 को 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ। अगर देखना चाहते हो तो 243 ऐसे करो भाई, 3 से काटोगे तो 3 8 24 और 3 1 3, क्लियर। 3 से काटोगे तो 27 बार में जाएगा, 3 से काटोगे तो 9 बार में जाएगा, और 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे तो 1 बार। यानी 243 को हम 3 की पावर कितनी कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो अब हम यहाँ पर जहाँ 243 है वहाँ 3 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है, n बाई 5। ये भाई n बाई 2 नहीं है, सॉरी, ये माफी चाहते हैं, जहाँ भी n बाई 2 लिख गया ना, ये n बाई 5 क्वेश्चन में गिवेन है, n बाई 5, ये n बाई 5 है, याद रखना। तो n बाई 5 हो गया इंटू के 3 की पावर 2n प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया, बटे नीचे भी बेस बराबर करो। 9 को 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है n, इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस के 1। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो नीचे भी बेस बराबर, ऊपर भी बेस बराबर, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर कितना n हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर n, और यहाँ पर भी देखो दोनों बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी, 3 की पावर n प्लस में क्या हो जाएगा, 2n प्लस में 1। यही तो होगा ना मेरे दोस्त भाई, यहाँ n बचा, गुणा है बेस, तो पावरें जुड़ जाएंगी 2n, और 2n प्लस 1 तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2n हो जाएगी, और ये अब देखो गुणा ही तो कर रहे हो, तो ये 2n प्लस n माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा, बात को समझना, यहाँ 2n हो जाएगा। तो 3 की पावर, अगर आप ऐसे सोचना चाहते हो सोच लो, 3 की पावर 2n होगा और उसमें इंटू करोगे 3 की पावर कितना, n माइनस के 1, बेस बराबर है तो 3 की पावर 2n प्लस में n माइनस के 1 नहीं कर दोगे, तो वही यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है, कितना हो जाएगा, 2n प्लस के n माइनस के 1 हो जाएगा। इतनी बात आप क्लियर समझ गए हो ना। अब देखो मेरे दोस्त क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो n और 2n मिलकर 3n हो जाएगा, यानी 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3n और प्लस में 1, और बेस बराबर है भाग, ये बटे का मतलब भाग, तो पावरें घटा दो, या डायरेक्ट आप ऐसे भाग करके एक बार लिख लो, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2n 3n माइनस के 1, यानी 3n माइनस के क्या हो जाएगा, 1। अब जब भाग कर रहे हो तो पावरें क्या होंगी, घट जाएंगी, 3 का पावर 3n प्लस में 1 और माइनस कर दोगे कितना, 3n माइनस के 1 कर दोगे, यही ना कर दोगे मेरे दोस्त, बोलो यही ना कर दोगे, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल भाई, देखो माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लो, 3 की पावर 3n प्लस में 1 माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3n और प्लस के 1, आप देखो 3n प्लस 3n माइनस प्लस माइनस, कितना पावर बचा, 0, ऊपर पावर कितना बची, 0 बच गई, और 3 की पावर 0 का मतलब कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, उसका मान कितना होगा, 1 होगा, उसका मान कितना, 1। यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ ये मत समझना कि सर यहाँ पर 1 बचा है, नहीं, यहाँ पर गुणा भाग करते तब 1 बचता, क्योंकि ऐड किए हैं तो कुछ नहीं बचा भाई। ऐसे चीज़ों को समझो, अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हैं और मैं तुमसे 5 रुपए ले लूँ, 5 तुम्हारे पास थे, 5 मैंने ले लिए, तो तुम्हारे पास अब 0 रुपए ही तो बचेंगे, तो बस वही काम यहाँ पर हुआ, 3 की पावर 0 का मतलब 1 आपका राइट आंसर है। नोट करो, आगे पहुँचते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। आगे 2 क्वेश्चन आपके युगपत समीकरण के हैं और उनको आपको सॉल्व करना है। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आसानी से समझ गए होगे सारे विद्यार्थी ना। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ये कह रहा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस के 3y बराबर के 13, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 7x माइनस के 2y और बराबर क्या है आपका 20, आपसे केवल x और y का मान पूछे है, आपसे केवल x और y का मान पूछे है। मैं x और y का मान नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना मेरी बात को, समझना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो वो आपसे केवल एक्स और वाई का मान ही निकलवाएगा, बाकी कुछ नहीं निकलवाएगा। तो आप अगर कहीं लिखा ना मिले ना ऐसे क्वेश्चनों में कि एक्स और वाई का मान निकालो, तो आप समझ जाना मान ही निकालना है। या ऐसे भी दे सकता है कि निम्न को सॉल्व करो, निम्न समीकरण को सॉल्व करो, तो भी एक्स वाई का मान ही निकालना है ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या बनता है, युगपत समीकरण, है ना। तो युगपत समीकरण को दो विधियों से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, कोई एक विधि लगा लो। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो जरा देखो, ये 2x माइनस के 3y बराबर के 13, इसको समीकरण नंबर एक मान लें। वो है हमारा 7x माइनस के 2y बराबर के 20, इसको समीकरण नंबर टू मान लिया। अब गुणांक किसी के बराबर कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम एक्स के गुणांक बराबर कर लेते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 7 और 2 का लाशा 14, यानी इस समीकरण में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 7 से, और इस समीकरण में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, तो 2 से, हमने 2 से। अब देखो पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 × 14x हो जाएगा, 7 × 14x माइनस के 7 × 21y बराबर के 13, सत्य कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब यहाँ कराएंगे तो 7 × 14x हो जाएगा, ये 14x, और 2 × 4 माइनस के 4y बराबर के 20 × 40। अब आप देखो केवल चिन्ह परिवर्तित करो, बस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब इतनी बात समझ गए हो ना, ये आपका कट जाएगा 21x और प्लस के कितना हो जाएगा 4y माइनस प्लस माइनस 17 × 4 = 21 माइनस के 17y बराबर के यहाँ कितना बचेगा 51 बच जाएगा प्लस में। तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 17 × 3 = 51, y बराबर माइनस के 3 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू पता है तो चाहे इस समीकरण में रख लो चाहे इसमें, इसमें ऊपर वाले में नहीं, यहाँ कन्फ्यूज हो जाओ, 7 × 2 लिखा है। तो आप अगर पहले समीकरण में रखोगे तभी मान आपका सेम आएगा, दूसरे में रखोगे तो भी मान सेम आएगा। पहला समीकरण हमारे पास क्या था, तो वो था 2x माइनस के 3y बराबर के 13। अब y बराबर माइनस के 3 रखना है, 2x माइनस के 3 और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, क्लियर, बराबर 13 हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस 3 माइनस 3, 3 × 3 = 9, प्लस के 9 बराबर के कितना हो जाएगा 13। तो 2x बराबर के प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस के 9, तो ये, तो x बराबर इधर बचा 9, 4 13 2 गुड़े से इधर बटे में 2 × 4, x बराबर के कितना आ गया 2, x बराबर के 2, y बराबर माइनस के 3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें मान रखूं तो मेरा वही आएगा, तो आप एक सेकंड के लिए चेक कर सकते हो, जरा देखो भाई फटाफट से, 7x माइनस 2 × यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू माइनस के कितना रखेंगे 3, तो माइनस के 3 बराबर के 20, 3 × 6 प्लस से उधर माइनस में, तो 7x बराबर 20 माइनस के 14 हो जाएगा, 7x बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 6, तो 7x बराबर 14, तो x बराबर 2। देखो दोनों तरीकों से मान आएगा, तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में ना रखना कि किस समीकरण में रखें, किसी में भी आप मान रख लीजिए, उत्तर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, आया है ना मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में। तो अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा आप लगा के बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा लगा के बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। बस थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको चर की वैल्यू निकालना है ना। तो जरा देखो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, ये क्या है, 3 ब्रेकेट में x प्लस में 2y बराबर में आपको दिया गया 10y और कितना दिया गया प्लस में 5, और ये हो गया दूसरा आपको दिया गया है 2, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है x प्लस 2y, x प्लस 2y उसके बाद ही बराबर दिया गया 3x प्लस में 2 बराबर 3x प्लस में 2, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा उत्तर, है ना, जल्दी से भाई सॉल्व करो इसको, कोशिश करो लगाने की। अगर मैं कहूँ कि इसको आप कैसे लगाओ, क्योंकि ये आपका एक ना शुद्ध समीकरण नहीं है, क्योंकि भाई देखो चर दोनों तरफ हैं,
है ना, तो हम इसको एक शुद्ध समीकरण बनाएंगे कि हम इसको सॉल्व तो कर पाए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि हम इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, वैसे ही हम इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 3x प्लस में 3 × 6y बराबर के 10y और प्लस के क्या हो जाएगा 5, है ना। अब यहाँ पर देखो, इधर ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 × 4y बराबर में 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एक तरफ भगा दो, 10y इधर माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा 3x 6y माइनस, तो माइनस के मैं 4y कह सकता हूँ, 10 आएगा घट जाएगा तो माइनस के 4 बच जाएगा, प्लस के 5, ये बच गया प्लस के 5, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। ऐसे दूसरा समीकरण में बनाऊँ तो ये 2x आपका एज इट इज़ रहेगा, ये 3y इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस के y बराबर के क्या बच जाएगा 2, समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप लिखो यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 था आपका 3x माइनस के 4y बराबर के 5, और दूसरा समीकरण था क्या था आपका 2x प्लस में y और बराबर के क्या था आपका 2। अब देखो आपके यहाँ गुणांक किसके, ना तो x के बराबर ना तो y के, तो y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 4 से इंटू करा देंगे, 4 से गुणा। तो हमारा पहला समीकरण क्या बनकर है, वही 3x माइनस के 4y बराबर के 5, ये तो यही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 8x प्लस के 4y बराबर के 8 हो जाएगा, माइनस 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 ये ख़त्म, 3x से 8x जाएगा तो माइनस के 5x बच जाएगा, और बराबर इस तरफ कितना बचेगा, अगर कितना बचेगा भाई, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी माइनस के कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, तो x बराबर कितना आएगा 3/5 आएगा, x बराबर कितना आएगा 3/5 आएगा भाई, देखो 8 5 3 8, ठीक है भाई। अगर x बराबर 3/8 आया है तो y का मान आप प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस समीकरण में रख लो, पहले में रख लो, दूसरे में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रखो समीकरण 1 में, तो किसका x बराबर रखना है, तो समीकरण 1 में रखोगे 2 × 3/5 प्लस के y बराबर में 2, 3 × 6/5 6/5 प्लस में y बराबर के 2 प्लस से इधर माइनस में, तो y बराबर 2 माइनस के 6/5 5 × 10 10 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5 × 10 है ना 5/6 माइनस में आ गया 5 इधर 2 माइनस के 6/5 2 माइनस के 6/5 हो गया, तो ठीक है भाई 5 × 10 10 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 10 से 6 जाएगा 4/5 3/5 4/5 आपका सही जवाब है, 3/5 4/5 आपका सही जवाब है। अगर आप दूसरे समीकरण में रखते तो इसमें भी रख कर चेक, दूसरे में ही तो हमने रखा है भैया, पहले में रखते तो भी आता, देखो जरा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वहाँ पर दो गुणांक थे हमने इसीलिए इसमें रखा, उसमें भी रखोगे तो 4/5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रख कर चेक कर लेना, 4/5 एंड 3/5 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7, उसको आपको लगाना है ना, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो हज़ार रुपये का 20% वार्षिक की दर से 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, यदि ब्याज क्या होता हो, छमाही संयोजित होता हो, छमाही संयोजित होता हो, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर है ना, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है क्या आएगा, जल्दी से कोशिश करो बताने की। देखिए इसमें एक चीज़ है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन एक चीज़ आपको समझ लेना है
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है पर एनम वार्षिक और समय एक वर्ष है, लेकिन जो ब्याज आपका ऐड हो जाता है ना वो हर 6 महीने में संयोजित हो जाता है, हर 6 महीने पर आपको ब्याज मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट केस। यह क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट केस है, इसीलिए यहाँ पर ब्याज जमा ही संयोजित कर रहा। हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको कि जब भी कभी ऐसी केस आएगी तो आप रेट भी छमाही में करोगे और समय भी छमाही में करोगे। प्रिंसिपल तो फिक्स रहेगा कि वो 2000 है, लेकिन जो रेट आपकी 20% वार्षिक है इसको छमाही में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो वी कैन से दैट कि 10% हाफ ईयरली होगी, 10% हाफ ईयरली, 10% छमाही। अगर एक वर्ष है तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय आपका एक दिया है, एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 छमाही आपका वर्ष हो जाएगा। अब आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो लगाओ फार्मूला, ए बराबर पी 1 + R/100 T। प्रिंसिपल रखो कितना है 2000, प्रिंसिपल हो गया 2000, 1 + रेट है 10 और 100, इसकी पावर कितनी हो गई 2, 0 0 10 × 10 = 11/2, तो ये हो जाएगा 2000 × 11/10 × 11/10 भाई, 10 × 10 = 11/10 टाइम दो, तो 2 बार लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 × 121, तो 20 × 121 ना कितना होता है 242, और ये 0 2420, ये निकल कर आया है अमाउंट मिश्र धन। आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ए माइनस के पी, अमाउंट आया है 2420, माइनस कर दोगे 2000, तो 420 एकदम जो आएगा आंसर, 420 कितनी अच्छी संख्या आई है ना, 420 का मतलब समझते हो भाई, ये 420 इसका मतलब ना चीटर, 420 ही व्यक्ति, 420 आजकल सभी लोग हैं, कोई कम है तो कोई ज्यादा है, हमारी लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े वाले पड़े हैं, ठीक है ना, बता नहीं सकते अब हम, 420 आंसर, अभी नोट करो आगे पहुंचते हैं, है ना, नोट करो आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये बात समझ के ना कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ना इतने कामयाब जरूर बनो कि आप ना कभी किसी के ना गुलाम ना बन सको, इस बात को याद रखना, जो करो खुद करो, इस बात को जरूर याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर आठ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है, आप सिद्ध करो, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि log 75/16 माइनस के टू लॉग 5/9 प्लस में log 32/243 बराबर है आपका log 2 के, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब होता है कि LHS आपको RHS के बराबर दिखाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है, बस। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक का प्रश्न है, आपके बुक का प्रश्न है, तो आप इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा उत्तर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्या आएगा उत्तर, आप एक बार बताओ। देखो आप इधर से तो सॉल्व नहीं कर सकते हो लॉग टू से, क्योंकि लॉग टू सीधे वैल्यू रख दोगे 0.602, तो इसका मतलब ये सॉल्व करो तो इसका मान आप इसके बराबर दिखा दो, बस काम खत्म। यानी हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS,
LHS। अब देखो जरा बात को समझो, डिवाइड है मतलब क्या है, माइनस में हो जाएगा, तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, ये 75/16 है, तो लॉग 75 माइनस के लॉग 16 है ना, ये इतने का हो गया। फिर है माइनस के 2, फिर ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग भाई घट जाएगा ना 5, माइनस का क्या हो जाएगा लॉग 9, फिर प्लस, अब ये फिर से घट जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग 32 माइनस के लॉग 243। अभी मैंने केवल फार्मूला खोला है बस, है ना। अब मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें रखना है। क्या मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ भाई? बिल्कुल रख सकता हूँ। 75/10 याद होगी सबको वैल्यू? नहीं याद है ना, चलो ठीक है, नहीं याद है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, याद नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। भाई लॉग 75 को मैं क्या कह सकता हूँ, लॉग 75 को मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जरा बताओ, 15 × 29 = 45 + 64 = 75, यही तो कह सकता हूँ ना भाई। हम यहाँ पर 75 को क्या कह सकते हैं, 15 × 29 = 45 + 64 = 75, यानी इसको कह सकते हैं 25 × 75 भी कह सकते हैं, और 15 × 6 = 75 कह सकते हैं, तो हम इसको 25 × 75 कहेंगे, 25 × 75। माइनस लॉग 16 को क्या कह सकते हैं, 4 × 4, समझते जाना। माइनस 2 इंटू लॉग 5 की हमें वैल्यू पता है, अभी लिखेंगे सब लोग ना, लॉग 5। माइनस लॉग 9 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 2 कह सकता हूँ। प्लस लॉग 32 को क्या कह सकता हूँ, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 की पावर 5 कह सकते हैं, 2 की पावर 5। माइनस लॉग 243 को क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 5। भाई 3 × 9 = 27 × 81 = 243, 2 का 5 बार गुणा कराओगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, देखो जरा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 25 और प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग 3 हो जाएगा, लॉग 3। यहीं से मैं एक स्टेप छोटा कर रहा हूँ, 25 को मैं क्या कह सकता हूँ, 5 की पावर 2 कह सकता हूँ ना। अगर मैं 25 को 5 की पावर 2 कह सकता हूँ, तो 5 की पावर 2 ऊपर लिखेंगे, और ऊपर वाली कहाँ आ जाती, संख्या नीचे आ जाती, तो एक स्टेप हमारा छोटा हो गया लॉग 3। माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग 4 और लॉग 4, 216 को मैंने कह दिया लॉग 4, लॉग 4, लॉग 4 करेंगे तो 4 की वैल्यू रखेंगे, या हम इसको और छोटा कर सकते, 2 × 4 × 8 × 16, भाई हम इसको 16 को 2 की पावर 4 भी तो कह सकते हैं भाई, 2 × 4 × 8 × 16, और ये 4 आगे आ जाएगा, लो भैया 4 × log 2 हो गया। अब आपकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी ना। माइनस के भाई ये हो गया 2 × log 5 की वैल्यू कितनी होती, 0.9 भाई, देखो हमने तो लिख रखी है वैल्यू 0.6989 रख दिया। माइनस लॉग 3, ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा आगे, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी 4.4771। प्लस ये 5 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। माइनस ये 5 आगे आ जाएगा, और लॉग 3 की वैल्यू होती 0.4771, है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ देखो 2 × log 5 की वैल्यू रखो, ये कितना होता है 0.6989, प्लस log 3 की वैल्यू कितना होता है 0.4771, माइनस 4 × log 2 की वैल्यू 0.3010, माइनस के 2, अभी देखो अब ये आपका सारा कुछ डाटा लिख गया है, अब लिखो माइनस के 2 × 0.6989, माइनस के 2 × 0.4771, प्लस के 5 × 0.3010, माइनस के 5 × 0.4771, इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है। अब इस प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 0.3010, इतना मान निकल कर आएगा। इतना मान क्यों निकल कर आएगा?
लॉग टू की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। तो अगर हम 0.3010 आ गया यहाँ पर आएगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या है? आर एच एस है, और एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाता तो क्या हो जाता? प्रूव्ड हो जाता। स्क्रीन शॉट लो, इसको आपको सॉल्व करना है। इस स्टेप को आपको सॉल्व करना है, केवल गुणा करके जोड़ना घटाना है, बस केवल गुणा करके जोड़ना घटाना है। एक बार स्क्रीन शॉट लो, आगे पहुँचते हैं। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? हाँ 9, 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, तुरंत उड़ा दोगे। ये है 3x² 3x² प्लस के 3x² प्लस के 10x माइनस के 8 के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। देख लेते हैं कैसे करेंगे ना भाई। इसकी कंपेयर ए बराबर कितना है? ए बराबर 3 है, बी बराबर 10 है, सी बराबर माइनस के 8 है। तो ये यहाँ पर ए इंटू सी करेंगे तो 8 तीन 24, माइनस के 24 के गुणनखंड करो कि 10 के रूप में आए। 12 दुना 24, हमें प्लस के 10 लाना है, यानी कि 12 माइनस के 2, बस। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3x² 10x को क्या कहेंगे? प्लस के 12x माइनस के 2x माइनस के, दो दो के पेयर बना के कॉमन लो। इधर कॉमन 3x मिल रहा तो x प्लस 3 चौके 12, इधर कॉमन माइनस के 2 मिल रहा तो x माइनस के कॉमन लिए तो 2 चौके 8, x प्लस के 4, दोनों में कॉमन मिल रहा x प्लस के 4, दूसरे ब्रेक बचा 3x माइनस के 2, क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। फोर्थ एक्स प्लस 4 और कितना है भाई? 3x माइनस के 2, समझ गए हो ना भाई? अगला और आज का लास्ट प्रश्न, अगला और आज का लास्ट प्रश्न। इतना तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है। मतलब लिख के रख लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया? तो लास्ट और 10 नंबर, 1 से 20 तक सम संख्याओं का क्या बताना है? सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर अगली क्लास मिलेंगे। इस क्लास को फिर रोकेंगे हम लोग ना। मॉक टेस्ट नंबर 13 है आपका। चलो देखो, अगर मैं एक सम तक के जितने इवन नंबर हैं उनको निकालूं तो पहला इवन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा 4, फिर 6, फिर क्या हो जाएगा? 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर 40, फिर 16, फिर 18, देन 20। भाई 2 दुनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गया। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, ये कामा हटा दो, एक स्टेप छोटा कर लेते हैं। इन सबको ऐड करो, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कुल पदों का क्या निकल कर आएगा? योग निकल कर आएगा। और भाग के कुल पदों की संख्या कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐड कर लो इनको, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 10, 52, 56, 56, 62, 90, 90, 9, 2, 11, 110। 110 बटे 10, 0, 0, खत्म 11। समांतर माध्य कितना आएगा? 11 आएगा। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 40, 50, 60, 70, है ना? 70 और कितना हो गया? 80, 80, 10 कितना हो गया? 90, 90 और ये 6, 4, 10, 100, 8, 2, 10, 110, 110 बटे 5, 110, 110 बटे के 10, 11 आंसर है आपका, है ना?
11 आंसर, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। भैया पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।